नवंबर 2018 में एक उच्च अगुआ ली हुआन काम की देखरेख करने हमारी कलीसिया आई तब कलीसिया का एक, एक संगति की वह मसीह विरोधी है या नहीं तो हमने ली हुआन से पूछा ली हुआन ने मसीह विरोधियों को परखने के सत्य पर हमारे साथ संगति की ताकि हम सही फैसला कर सके उसने हमें आगे का रास्ता दिखाया बातों बातों में यह भी पता चला कि जब ली हुआन एक नई अगुआ थी तो उसने कलिसिया की अव्यवस्था दो हफ्तों में ठीक कर दी थी जिसे दूसरे दो महीनों में नहीं कर पाए उच्च अगुआ होने के नाते उसने कई कलिसियाओं की देख रेख की थी और उनके बहुत से मामले सुलझाए थे मुझे पता भी नहीं चला और मैं उसका बहुत आदर करने लगी फिर जब ऐसी समस्याएं आती जो समझ ना आती तो हम ली हुआन का इंतजार करते कि वो हमारा मार्गदर्शन करें एक महीने बाद वो हमारी कलीसिया में वापस आई मैंने फौरन उसे हमारी समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में बताया उसने फिर से सब कुछ तुरंत ठीक कर दिया उसके साथ कुछ मुलाकातों के बाद ही मैं उसे सराहने लगी मुझे लगा वह उच्च अगुआ बनने के लायक है उसके पास सत्य की समझ और विवेक है जो समस्याएं मुझसे हल नहीं हो रही थी उन्हें हल करना उसके लिए आसान था मैं यही उम्मीद करती कि वह अक्सर हमारा मार्गदर्शन करे मैं तब हैरान रह गई जब कुछ महीनों बाद ली हुआन बर्खास्त हो गई ओ, बर्खास्त हो गई सही सुना वह अपने काम में अहंकारी और तानाशाह थी और सत्य नहीं स्वीकारती थी उसने कलीसिया के कार्य में रुकावट डाली थी मैं सोच भी नहीं सकती कि वह बर्खास्त होगी पर यह भी लगा कि शायद ये उसके लिए अच्छा हो अगर वह खुद को समझ कर बदल सके तो फिर से अहम काम कर सकती थी उसकी बर्खास्तगी के बाद भी मेरे दिल में उसकी जगह बिल्कुल नहीं बदली कुछ महीनों बाद कलीसिया ने ली हुआन और मुझे साफ सफाई के काम की जिम्मेदारी सौंपी मैं बहुत उत्साहित थी मैं उस मौके का सही इस्तेमाल करके उससे काफी कुछ सीखना चाहती थी बाद में मुद्दों पर चर्चा करते समय वह हमेशा संगति के लिए सही सिद्धांत और समस्या का हल ढूंढ लेती थी वह बताती कि आस्था में आने के कुछ समय बाद ही वो अगुआ बन गई और अपनी कड़ी मेहनत से काम में सुधार लाया और कैसे बर्खास्तगी के बाद उसने खुद को जाना उसने कहा कि कलीसिया उसे फिर से अहम काम सौंप रही थी यह सुनकर मैं उसके बारे में और भी ऊंचा सोचने लगी कोई सवाल होता तो मैं उसके पास ही जाती थी उसके पास हमेशा जवाब होता था समय के साथ मैंने प्रार्थना करना और परमेश्वर को खोजना बंद कर दिया मैं ली हुआन पर भरोसा करती थी उसकी हर बात सही लगती आ, कोई हमेशा परिपूर्ण और सही नहीं हो सकता है सही सही। कहा? बिल्कुल सही। मगर तब मैं उसके बारे में बहुत ऊंचा सोचती थी आंखें मूंद कर उसे पूछते हुए मैं एक बहुत बड़ा पाप करने वाली थी ऐसा कैसे एक दिन पता चला कि जब झांग पिंग अगुआ थी तो उसने अपने परिवार के सामने अपने साथी की आलोचना की थी क्योंकि वह उसके खिलाफ थी उसके परिवार ने यही सारी बातें समूह की सभा में बता दी कलिसिया अगुआ ने बस उस एक वजह से झांगपिंग को मसीह विरोधी करार दिया उसके परिवार ने मामले का निपटान सिद्धांतों के अनुरूप न होने पर चिट्ठी लिखकर इसकी रिपोर्ट कर दी इस पर कलिसिया अगुआ ने झांगपिंग के पूरे परिवार को मसीह विरोधियों का गिरोह बताकर उन्हें सबसे अलग कर दिया इतनी सी बात के लिए उन्हें मसीह विरोधियों का गिरोह कहना बहुत मनमानी थी मैं सहमत हूँ उसके निष्कासन के दस्तावेजों को देखकर मुझे लगा कि वह भ्रष्ट स्वभाव में जी रही थी और दूसरों की थोड़ी आलोचना की थी वह रुतबा पाने के लिए नहीं लड़ रही थी वह मसी विरोधी नहीं थी उसके परिवार ने रिपोर्ट लेटर लिखकर बस समस्या बताई थी उन्होंने गुड बनाकर कलीसिया के काम में रुकावट नहीं डाली थी उन्हें मसी विरोधी नहीं कहा जाना चाहिए था हाँ। फिर मैं कुछ साल पहले झांगपिंग के संपर्क में थी उसके पास स्वीकार्य मानवता थी वो कुकरमी नहीं लगी मुझे लगा कि कहीं अगुआ ने उसे मसीह विरोधी कहकर निष्कासित करके गलती तो नहीं की यह कोई छोटी बात नहीं है हाँ मैं इस मामले में ली हुआन की मदद लेना चाहती थी मुझे हैरानी हुई जब उसने दृढ़ता से यह कहा झांग पिंग ने अपने साथी की आलोचना की थी यह कुकर है उसके परिवार ने उसकी ओर से बात की तो वह मसीह विरोधियों का गिरोह है चाहो तो हम जांच कर सकते हैं कि क्या उन्होंने और कुकर्म किए हैं उसका इस तरह से फैसला सुनाना मुझे सही नहीं लगा पर फिर मैंने सोचा अगर ली हुआन को इतना यकीन है तो उसे वास्तव में चीजों की समझ होगी आखिरकार वह उच्च अगुवा रह चुकी है उसके पास काफी अनुभव और विवेक है वह बेशक सत्य और चीजों को मुझसे बेहतर समझती होगी मैंने अपना राग बदल कर कहा कुछ सालों से झांगपिंग से बात नहीं हुई पता नहीं उसने कोई और कुकर्म किया है या नहीं जांच करके फैसला करते हैं जल्द ही मुझे झांगपिंग के बारे में और जानकारी मिली उसने कोई और कुकर्म नहीं किया था और अपने साथी की आलोचना करने के बाद उसने आत्मचिंतन किया उसके परिवार वाले हर एक जगह भ्रम नहीं फैला रहे थे ना दूसरों को झांगपिंग का साथ देने को कहते थे उनके बर्ताव को देखें तो उन्हें मसी विरोधी कहकर निष्कासित नहीं करना चाहिए था हाँ, ओ।

ली हुआ ने अभी भी यकीन के साथ कहा झांग पिंग विरोधी नहीं पर एक कुकर्मी तो है ही। उसने परिवार के सामने सहकर्मी की निंदा की उसके परिवार ने वही बातें सभा में बताई फिर रिपोर्ट भी लिखी ये कलीसिया में रुकावट डालना नहीं उन्हें वापस नहीं बुला सकते उनके और कुकर्म पता लगाने होंगे ये तो मनमानी हुई झांग हाँ। पिंग के परिवार ने उसकी बातें बस एक सामूहिक सभा में बताई ये आलोचना करना कैसे हुआ और फिर किसी समस्या का पता चलने पर उसकी रिपोर्ट करना सही है हाँ यह कलीसिया में रुकावट डालना कैसे हुआ ली हुआन की कथनी करनी सिद्धांत विहीन थी हाँ। बेशक मगर ली हुआन की बात सुनने के बाद मैं थोड़ा संकोच करने लगी जब उसे झांगपिंग के निष्कासन को लेकर इतना यकीन है तो क्या इस बारे में मेरी सोच सीमित है क्या झांगपिंग वाकई कुकर्मी थी लिहुआन लंबे समय से अगुआ रही है तो जाहिर है उसे चीजों की समझ मुझसे बेहतर होगी मुझे लगा मुझमें विवेक की कमी है और हमें झांगपिंग के कामों की जांच करते रहना चाहिए भले ही मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं था पर मैंने दृढ़ता से कुछ भाई बहनों को इसकी जांच करने को कह दिया यह सब करके मुझे बहुत बेचैनी और आध्यात्मिक अंधकार महसूस हुआ मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की खुद को पहचानने और उसकी इच्छा के अनुसार काम करने में मेरा मार्गदर्शन करने को कहा आमीन। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों में इसे पढ़ा परमेश्वर हर कलीसिया और हर व्यक्ति पर नजर रखता है कलीसिया में चाहे कितने लोग कर्तव्य निभाएं या परमेश्वर का अनुसरण करें जैसे ही वो ईश वचनों से भटकते हैं पवित्र आत्मा के कार्य से वंचित होते हैं वे परमेश्वर के कार्य को अनुभव नहीं कर पाते और उनका और उनके द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य का परमेश्वर के कार्य से कोई संबंध नहीं रह जाता ऐसे मामले में कलीसिया धार्मिक समूह बन जाते हैं क्या तुम लोग यह नहीं कहोगे कि वे बहुत बड़े खतरे में हैं कोई समस्या आने पर वे कभी भी सत्य की खोज नहीं करते और सत्य के सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलते बल्कि वे मनुष्यों की व्यवस्थाओं में फंस जाते हैं कई लोग कर्तव्य निभाते समय कभी भी प्रार्थना या सत्य के सिद्धांतों की खोज नहीं करते वे सिर्फ दूसरों के अनुसार चलते रहते हैं उनके भाव देखकर काम करते हैं दूसरे लोग उन्हें जो करने को कहते हैं वे वही करते हैं उन्हें लगता है कि अपनी समस्याओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना एक मुश्किल चीज है इसलिए वे कोई आसान हल तलाशते हैं उन्हें लगता है कि दूसरों पर निर्भर रहना ज्यादा व्यावहारिक है और इसलिए वे वही करते हैं जो दूसरे लोग कहते हैं हर काम में दूसरों से पूछते हैं परिणामस्वरूप वर्षों के विश्वास के बाद भी किसी समस्या का सामना करने पर वे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते और उसकी इच्छा और सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते ताकि उन्हें सत्य समझ में आ सके और वे परमेश्वर की अनुसार कार्य कर सकें उन्हें कभी भी ऐसा कोई अनुभव नहीं हो पाता क्या ऐसे लोग सचमुच परमेश्वर में आस्था का अभ्यास करते हैं आमीन। आमें, आमें। वचन कहते हैं कि जिनके दिल में परमेश्वर के लिए जगह नहीं होती वे सत्य के सिद्धांत नहीं खोजते बल्कि दूसरों की बात सुनकर उनकी योजना के अनुसार चलते हैं परमेश्वर ऐसी आस्था बिल्कुल नहीं स्वीकारता हाँ। क्या मेरी हालत ऐसी ही नहीं थी झांगपिंग के परिवार के मामले में लिहुआन को यकीन था कि वे मसीह विरोधी थे मुझे लगा यह तथ्यों के अनुरूप नहीं था पर मैं उसका इतना आदर करती थी कि मैंने सत्य के सिद्धांत नहीं खोजे उसने मुझे जो करने को कहा मैंने वही किया। हमारी जांच पड़ताल के नतीजों से पता चला कि उनके साथ गलत हुआ था पर ली हुआन की दृढ़ता देखकर मैंने अपने मन की बात नहीं सुनी बेचैनी महसूस करने के बाद भी मैंने सत्य के सिद्धांत नहीं खोजे मैंने ना चाहते हुए भी ली हुआन का कहना माना मेरे दिल में परमेश्वर की कोई जगह नहीं थी यह आस्था रखना कैसे हुआ मैं बद से बदतर महसूस करने लगी थी मैं हमेशा खुद को एक सच्ची विश्वासी मानती थी सोचा नहीं था कि मैं किसी का इतना अनुसरण करूंगी मुझे अजीब सा लगा परमेश्वर के आगे पश्चाताप नहीं किया तो सचमुच निकाल दी जाऊंगी इस विचार से मैं बहुत डर गई तो मैंने प्रार्थना की अपनी हालत सुधारने में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा ताकि झांगपिंग और उसके परिवार से सिद्धांत के अनुसार बर्ताव कर सकूं। उसके बाद मैंने झांगपिंग के मामले में जुड़े सत्य के सिद्धांत खोजे भ्रष्ट स्वभाव वाले आम इंसान और एक मसीह विरोधी के बीच का अंतर जाना मसीह विरोधियों का मुख्य लक्षण है कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर काबू करना चाहते हैं वे सत्ता पाने के लिए लोगों को दंड देते हैं वे कुकर्म करके कलीसिया के कार्य में रुकावट डालते हैं हाँ, हाँ। और फिर मसीह विरोधी सार रूप से मानवता रहे दुष्ट होते हैं सही कहा चाहे वे कितने भी कुकर्म करें उन्हें अफसोस नहीं होता पश्चाताप तो दूर की बात है आम भ्रष्ट लोग तो सिर्फ अपना नाम और रुतबा पाने के लिए बोलते और काम करते हैं पर उनमें विवेक होता है वे सत्य स्वीकार कर आत्मचिंतन कर सकते हैं गलत मार्ग पर चलने के बाद वे भाई बहनों के निपटान के साथ ही परमेश्वर के अनुशासन से सबक लेकर पश्चाताप कर सकते हैं जैसा कि परमेश्वर के वचन कहते हैं चाहे कोई भी हो चाहे उसने कितनी ही बुराई की हो या उनकी गलतियां बड़ी ही क्यों ना हो वे मसीह विरोधी हैं या मसीह विरोधी स्वभाव वाले यह इस बात से तय होता है कि क्या वे सत्य को स्वीकार करने में सक्षम हैं, क्या वे काट छाँट को स्वीकार करने में सक्षम हैं, क्या वे सचमुच पछतावा करते हैं अगर वे सत्य को स्वीकार कर सकते हैं काट छाट स्वीकार कर सकते हैं सचमुच पछतावा करते हैं और अपना जीवन खुशी से परमेश्वर की सेवा में अर्पित करते हैं तो उनमें पश्चाताप का कुछ इरादा है और ऐसों को मसीह विरोधियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता आमें, आमें। अब मेरा दिल जान चुका था कि झांगपिंग मसीह विरोधी नहीं थी न ही उसका परिवार मसीह विरोधियों का गिरोह था मैं तो विधा में रहकर बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आ सकती बहुत बढ़िया सत्य जानकर हम दूसरों को परखकर सही बर्ताव कर पाते हैं सही हाँ। कहा सत्य की खोज ही सबसे अहम है वाकई हाँ। मैंने सत्य की खोज जारी रखी ली हुआन और मेरी सोच बिल्कुल अलग थी तो मैंने सिद्धांत क्यों नहीं खोजे क्यों बिना सोचे समझे उसका साथ देती रही समस्या की जड़ क्या थी हाँ। तब मुझे ईश याद आए तो मसीह की विनम्रता की प्रशंसा नहीं करते बल्कि विशेष हैसियत वाले उन झूठे चरवाहों की प्रशंसा करते हो तुम तो मसीह की मनोहरता या बुद्धि से प्रेम नहीं करते बल्कि उन व्यभिचारियों से प्रेम करते हो जो संसार के कीचड़ में लोटते हैं मसीह की पीड़ा पर हंसते हो जिसके पास अपना सिर टिकाने तक की जगह नहीं लेकिन उन मुर्दों की तारीफ करते हो जो चढ़ावे हड़प लेते हैं और अयाशी में जीते हैं तुम तो मसीह के साथ कष्ट सहने को तैयार नहीं हो लेकिन खुद को उन दृष्ट मसीह विरोधियों की बाहों में प्रसन्नता से फेंक देते हो जबकि वे सिर्फ तुम्हें देह शब्द और नियंत्रण ही प्रदान करते हैं अब भी तुम्हारा हृदय उनकी ओर उनकी प्रतिष्ठा उनकी हैसियत उनके प्रभाव की ओर मुड़ता है पर अब भी तुम्हें मसीह का कार्य गले से उतारना कठिन लगता है तुम उसे स्वीकारना नहीं चाहते इसलिए मैं कहता हूं कि तुम में मसीह को स्वीकार करने की आस्था की कमी है आमीन हाँ आमीन वचन पढ़कर मैंने जाना कि मैं एक इंसान की पूजा कर उसका अनुसरण कर रही थी क्योंकि मेरी आस्था में मसीह सर्वोपरि नहीं था बल्कि मैं रुतबे और सत्ता को पूछती थी लीहुआन बड़ी अगवा थी और काम की देखरेख करते हुए उसने कुछ अच्छे हल निकाले थे तो मुझे लगा वह सत्य जानती थी इसलिए मैंने उसके बारे में ऊंचा सोचा इसी कारण आपसी सहयोग में मैं कोई सुझाव या राय नहीं देती थी वह जो कहती थी मैं वही करती थी उसके शब्दों को हमेशा सत्य मानती थी झांगपिंग और उसके परिवार को निष्कासित करने जैसे अहम मामले में भी मैंने बिना सोचे समझे ली हुआन का साथ दिया जिससे उस परिवार की कलीसिया में वापसी और उनके जीवन प्रवेश में देरी हो गई हाँ। परमेश्वर हर एक इंसान के जीवन को संजोता है झूठे अगुवाओं के दबाव में रहने वाले लंबे समय तक कलीसिया का जीवन नहीं जी पाते बेबस और पीड़ित होकर वे अंधकार में जीते हैं मगर मैंने परमेश्वर की इच्छा का ध्यान नहीं रखा दूसरों के जीवन की जिम्मेदारी नहीं उठाई झांग पिंग के परिवार के मामले में मैं एक इंसान की बात सुनती रही मैं बहुत भ्रमित थी उस आध्यात्मिक अंधकार और पीड़ा के बिना मेरी आंखें कभी नहीं खुलती मैंने पश्चाताप में परमेश्वर से प्रार्थना की परमेश्वर मैं एक इंसान को पूछकर उसका अनुसरण नहीं करना चाहती मैं तुम्हें महान मानकर सत्य के सिद्धांतों पर चलना चाहती हूँ बाद में जब मैंने ली हुआन से मिलकर उसके साथ अपनी राय साझा की तो उसने बेरुखी से कहा बाद में बात करते हैं फिर उसने विषय बदल दिया वो सत्य नहीं स्वीकार रही थी हाँ, नहीं। मैंने देखा कि वह अपनी सोच पर अड़ी हुई थी उसे दूसरों के जीवन की कोई परवाह नहीं थी उसे बहुत गुस्सा आया मैंने संकल्प लिया कि चाहे जो हो जाए मैं झांगपिंग के परिवार के बारे में अगवा को बता कर रहूंगी बिल्कुल कुछ दिनों बाद जब अगवा कुछ काम पूरा करने आई और यह खुलासा किया कि ली हुआन सफाई के काम में तानाशाही कर रही थी उसने मनमाने ढंग से लोगों को आंका और कलिसिया के कार्य में रुकावट डाली और ली हुआन को बर्खास्त कर दिया असल में झांगपिंग के मामले में ली हुआन अच्छे से जानती थी कि वह गलत थी पर मानना नहीं चाहती थी उसने झांगपिंग में दोष ढूंढने के लिए जानकारी जुटाने में खुद लोगों की व्यवस्था की वह उसे और उसके परिवार को मसीह विरोधी बताकर निष्कासित करने पर डटी थी कितनी बुरी बात है बिल्कुल हाँ मुझे बहुत गुस्सा आया उसने अपना रुतबा बचाने के लिए भाई बहनों के जीवन की परवाह नहीं की ये बहुत बुरी बात थी हाँ ली हुआन के साथ बिताए वक्त को याद करूं तो वह हमेशा अपनी कड़ी मेहनत के बारे में बताती थी इसलिए मुझे लगा कि वह सत्य खोजने वाली इंसान है मैं उसकी मंशाओं और उसके कर्मों के सार का विश्लेषण नहीं कर पाई वास्तव में अनुभव साझा करने का मतलब है इस बारे में बातें करना कि परमेश्वर के न्याय से क्या सीख हाँ। मिली तुमने क्या सत्य सीखे और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए कैसे सत्य का अभ्यास किया मगर ली हुआन वास्तविक समझ पर बात नहीं कर पाती थी उसने जिन मुश्किल घड़ियों की बात की वह खुद को ऊंचा उठाने प्रशंसा पाने के लिए थी। वह एक विरोधी के मार्ग पर चल रही थी बेशक। हाँ, फिर मैं ली हुआन को थोड़ा बहुत समझ गई तो मुझे खुद से और नफरत हुई बरसों विश्वासी होकर भी मैंने ईश्वचनों के अनुसार चीजों को नहीं देखा बस लोगों की खूबियां और काबिलियत देखी रुतबे और सत्ता की प्रशंसा की मैं ली हुआन के साथ कुकर्म कर लोगों को गलत ढंग से निकालने ही वाली थी मैं बहुत नासमझ और बेवकूफ थी इस विचार से मुझे डर लगने लगा। हाँ, आस्था में अगर हम सत्य ना खोजे या लोगों की प्रशंसा करने लगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ हो सकते हैं सच में। हाँ बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं जब कोई व्यक्ति भाई बहनों द्वारा अगुआ के रूप में चुना जाता है या परमेश्वर के घर द्वारा कोई निश्चित कार्य करने या कोई निश्चित कर्तव्य निभाने के लिए उन्नत किया जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसकी कोई विशेष हैसियत या पहचान है या वो जिन सत्यों को समझता है वे अन्य लोगों की तुलना में अधिक गहरे और संख्या में अधिक हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पण करने में सक्षम है और उसे धोखा नहीं देगा इसका ये मतलब भी नहीं है कि ऐसे लोग परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं वास्तव में उन्होंने इसमें से कुछ भी हासिल नहीं किया है उन्नति और विकास का सीधे सीधे अर्थ केवल उन्नति और विकास ही है उनकी उन्नति और विकास का सीधा सा अर्थ है कि उन्हें उन्नत किया गया है और वे विकसित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस विकसित किए जाने का अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस रास्ते पर चलता है और किस चीज का अनुसरण करता है इस प्रकार जब कलीसिया में किसी को अगुआ बनने के लिए उन्नत और विकसित किया जाता है तो उसे सीधे अर्थ में उन्नत और विकसित किया जाता है इसका यह मतलब नहीं कि वो पहले से ही योग्य अगुवा है या सक्षम अगुआ है कि वह पहले से ही अगुआ का काम करने में सक्षम है और वास्तविक कार्य कर सकता है ऐसा नहीं है जब किसी को अगुआ के रूप में उन्नत और विकसित किया जाता है तो ज्यादातर लोग पूरी तरह यह नहीं समझते कि उसके पास कम से कम क्या चीज होनी चाहिए कुछ लोग अपनी कल्पनाओं के भरोसे रहते हुए उन्नत और विकसित किए जाने वालों का आदर करते हैं पर यह एक भूल है जिन्हें उन्नत किया जाता है उन्होंने चाहे कितने ही वर्षों से विश्वास रखा हो क्या उनके पास वास्तव में सत्य की वास्तविकता होती है ऐसा जरूरी नहीं है क्या वे परमेश्वर के घर की कार्य व्यवस्थाओं को साकार करने में सक्षम हैं? अनिवार्य रूप से नहीं क्या उनमें जिम्मेदारी की भावना है क्या उनमें प्रतिबद्धता है क्या वे परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं जब उनके सामने कोई समस्या आती है तो क्या वे सत्य की खोज करते हैं ये सब अज्ञात है क्या इन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय है और उनमें परमेश्वर का आखिर कितना अधिक भय है क्या काम करते समय उनके द्वारा अपनी इच्छा का पालन करने की संभावना रहती है क्या वे परमेश्वर की खोज करने में समर्थ हैं अगुआ का कार्य करने के दौरान क्या वे परमेश्वर की इच्छा की खोज करने के लिए नियमित रूप से और अक्सर परमेश्वर के सामने आते हैं क्या वे लोगों का सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं निश्चय ही वे तुरंत ऐसी चीजें कर पाने में अक्षम होते हैं उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला है और उनके पास बहुत थोड़ा अनुभव है इसलिए वे ये चीजें नहीं कर पाते इसीलिए किसी को उन्नत और विकसित करने का यह मतलब नहीं कि वो पहले से ही सत्य को समझता है और न ही इसका अर्थ ये है कि वो पहले से ही अपना कर्तव्य संतोषजनक ढंग से करने में सक्षम है मेरे ये कहने का क्या मतलब है सभी को ये बताना कि उन्हें परमेश्वर के घर में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं की उन्नति और विकास को सही तरह से लेना चाहिए और इन लोगों से अपनी अपेक्षाओं में कठोर नहीं होना चाहिए स्वाभाविक रूप से लोगों को उनके बारे में अपनी राय में अयथार्थवादी भी नहीं होना चाहिए उनकी अत्यधिक सराहना या सम्मान करना मूर्खता है तो उनके प्रति अपनी अपेक्षाओं में अत्यधिक कठोर होना भी मानवीय या यथार्थवादी नहीं है तो उनके साथ व्यवहार कार्य करने का सबसे तर्कसंगत तरीका क्या है उन्हें सामान्य लोगों की तरह ही समझना और जब कोई ऐसी समस्या आए जिसे खोजने की आवश्यकता हो तो उनके साथ संगति करना और एक दूसरे की क्षमताओं से सीखना और एक दूसरे का पूरक होना परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट हैं। किसी के अगवा चुने जाने का यह मतलब नहीं कि वह सत्य समझता है और अपना कर्तव्य अच्छे से निभा सकता है अगुआ भी भ्रष्ट होते हैं वह अपनी मनमर्जी और अनुभव से काम कर सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं हमें सोचे बिना किसी का अनुसरण ना करके सत्य के सिद्धांतों द्वारा लोगों को परखना चाहिए हाँ सबसे बड़ी बात भले ही सत्य पर अगुवा की संगति रोशनी देने वाली हो पर यह पवित्र आत्मा का प्रबोधन है और इसे परमेश्वर से स्वीकारना चाहिए हमें आंखें मुद्दे किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए अगर किसी अगुवा के काम में गलतियाँ या भूल चूक होती हैं सत्य के किसी सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो मामले को संभालना चाहिए प्यार से उसकी गलतियां बताकर मदद करनी चाहिए ताकि वह खुद को बदलकर सिद्धांत के अनुसार काम करे। सही कहा। मगर मैं रुतबे और सत्ता की पूजा करती थी तो गलती से यह समझ बैठी कि उच्च गुआ होने के नाते ली हुआन मुझसे बेहतर सत्य समझती है मेरी सोच का कोई आधार नहीं था वह बरसों से अगुवा थी उसे काम का थोड़ा अनुभव भी था वह कुछ सिद्धांत बोल और समस्याएं हल कर सकती थी पर इसका मतलब यह नहीं कि वह सत्य समझती थी बेशक हाँ, नहीं सत्य समझने वालों के मन में परमेश्वर के लिए श्रद्धा होती है वे सिद्धांतवादी होते हैं और मनमानी नहीं करते हाँ इस रोशनी में ली हुआन को देखें तो उसकी संगति और समझ अक्सर उच्च लगती थी वो कहती बात ना समझने पर विचारों पर अड़े रहने के बजाय सत्य खोजना चाहिए मगर समस्या का सामना होते ही वह मन मर्जी चलाती थी वह दूसरों की सलाह नहीं मानती थी सत्य तो बिल्कुल नहीं खोजती थी बिना किसी वास्तविकता के बस सिद्धांत की बातें करती थी सही बात, बात है। उसे अपनी अहंकारी शैतानी प्रकृति की कोई समझ नहीं थी उसने आत्मचिंतन भी नहीं किया वह अपना रुतबा बनाए रखने के लिए यूं ही लोगों को निष्कासित करती थी यह स्पष्ट था कि वह एक झूठी अगवा और एक मसीह विरोधी थी सही हाँ इसके बाद झांगपिंग और उसके परिवार को कलीसिया में वापस बुला लिया गया यह सोचकर कि कैसे करीब दो महीनों से वे लोग कलीसिया का जीवन नहीं जी पाए और उन्होंने कितनी आध्यात्मिक पीड़ा सही मुझे इतना बुरा लगा कि बता नहीं सकती किसी की बातों में आकर सत्य ना खोजने पर मुझे खुद से नफरत हो गई अगर मैंने सत्य के सिद्धांत खोजकर फौरन उन्हें कलीसिया में बुला लिया होता तो उनके जीवन प्रवेश में देरी नहीं हुई होती तब मुझे एहसास हुआ कि बिना सोचे समझे किसी की पूजा करने से हम भी परमेश्वर विरोधी हो सकते हैं मुझे इससे भी नफरत हुई कि मैंने इतने बड़े कुकर में किसी का साथ दिया फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा परमेश्वर में विश्वास के वर्णन का सबसे सरल तरीका है इस भरोसे का होना कि एक परमेश्वर है इस आधार पर उसका अनुसरण कर आज्ञा मानना उसके प्रभुत्व आयोजनों और व्यवस्थाओं को स्वीकार करना उसके वचनों को सुनना उसके वचनों के अनुसार जीवन जीना हर चीज को उसके वचनों के अनुसार करना एक सच्चा सृजित प्राणी बनना और उसका विश्वास है और उसके अनुसरण का अर्थ है आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि अपनी आस्था में हमें कम से कम परमेश्वर का भय मानना उसे महान मानना और सत्य के सिद्धांत तो खोजना ही चाहिए हाँ। अगर किसी व्यक्ति की बातें सत्य के अनुरूप हैं, तो उसका अनुसरण करना चाहिए मानवीय धारणाओं और कल्पनाओं की बातों को ठुकरा देना चाहिए सब ईश्वरचनों के अनुसार होना चाहिए यही सच्ची आस्था और परमेश्वर का सच्चा अनुसरण है अनुसरण का मार्ग मुझे साफ दिखने लगा आ, बढ़िया परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद एक दिन जब मैं बहन वांग के साथ लोगों की ट्रेनिंग पर चर्चा कर रही थी तो उन्होंने बताया बहन गाँव चीजों को अनुभव करने में अच्छी है और सत्य पर उसकी सहभागिता व्यवहारिक है तो उसे पोषित किया जा सकता है मगर जब मैं बहन गांव से मिली तो मुझे पता चला कि उसमें काबिलियत की कमी थी सत्य अच्छे से नहीं समझती थी वह अपने कर्तव्य में बहुत निष्क्रिय थी कई बार उसे महीनों तक अच्छे परिणाम नहीं मिलते वह अच्छी उम्मीदवार नहीं थी मगर क्योंकि बहन वांग ने उसकी सिफारिश की थी तो मुझे लगा मैं ही चीज़ों को समझ नहीं रही बहन वांग बरसों से कलीसिया अगवा रही है तो उसे मुझसे बेहतर परक होगी मैंने तय किया कि मुझे अगवा की बात माननी चाहिए मगर ऐसा सोचकर मैं दोषी महसूस करने लगी मुझे एहसास हुआ मेरा ध्यान बहन वांग के रुतबे और अगवा के तौर पर इतने बरसों के काम पर था क्या मैं रुतबे और सत्ता को पूछते हुए फिर से एक इंसान का अनुसरण नहीं कर रही थी हाँ। मैंने झांगपिंग और उसके परिवार का मामला याद किया सिद्धांतों को कायम न रखकर सत्ता की पूजा करने के परिणामों से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी फिर से वही हालात सामने लाकर परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा था अगर अब भी मैं सिद्धांतों को कायम न रखकर एक गलत इंसान को तरक्की देती तो इससे भाई बहनों के जीवन प्रवेश में देरी हो जाती जरूर हाँ बहन वांग अगुआ थी मगर इसका मतलब यह नहीं कि वह सत्य जानती थी या लोगों को अच्छे से समझती थी मुझे बस उसकी सलाह पर विचार करना था देखना था कि बहन गाँव का सिद्धांतों के अनुसार पोषण किया जाना चाहिए या नहीं बाद में मैंने गाओ के बारे में मूल्यांकन इकट्ठे किए जिससे साफ हो गया कि उसमें काबिलियत की कमी है तो वह अच्छी उम्मीदवार नहीं थी मैंने अपने विचार बहन वांग को बताए और उसने मुझसे सहमति जताई मैं जान गई थी कि शांति पाने का एकमात्र तरीका सत्य का अभ्यास करना है ना कि आंखें मूंद किसी की बात मानना हाँ। झांग और उसके परिवार के मामले को तीन साल से ज्यादा हो गए पर यह मेरे दिल में जैसे छप गया है, कभी ना भूलने वाली इस सीख से मैं अपनी आस्था में किसी इंसान का अनुसरण करने के परिणामों को देख पाई मैंने यह भी अनुभव किया कि सत्य खोजना और सत्य के अनुसार काम करना ही परमेश्वर का अनुसरण करने और उसकी स्वीकृति पाने का एकमात्र रास्ता है लोगों और चीजों को परखना